अच्छा, ये भी संकेत है कि कई लोग बोलते हैं कि कथा में आने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या केवल हॉस्पिटल में जाने से बीमारी दूर हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, हॉस्पिटल में जाने मात्र से बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उसे अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी, उससे उपाय समझना पड़ेगा, जो दवाई लिया वो दवाई खानी पड़ेगी, जो परहेज बताया वो परहेज करना पड़ेगा, तभी आपका रोग दूर होगा। ऐसे ही कथा में जाने मात्र से तुरंत कल्याण हो जाए ऐसा नहीं होता, कथा सुननी पड़ेगी, जो कथा में कहा वो करना पड़ेगा, और जब आप उसको जीवन में लागू करोगे, तो कंप्यूटर में और फोन में देखते हो ना कि आप कोई फाइल तैयार करते हो तो वहां एक ऑप्शन आता है कि अप्लाई करो, जब आप अप्लाई करेंगे तभी वो कंप्यूटर की मशीन में लागू होता है। ऐसे ही कथाओं की बातों को जीवन में जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आरंभ होगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा, तो कल्याण कैसे हो जाएगा? कुछ लोग बोलते हैं कथा में आने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारे एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले महाराज कथा में तो चप्पल जूते चुराने वाले भी आते हैं, क्या उनका भी भला हो जाएगा? अब आप सोचो कि जो चप्पल जूता चुराने के मन से भावना से कथा में आया है उसको भगवान मिलेंगे क्या? बोलो, भगवान मिलेंगे क्या? क्या मिलेगा? जूते ही मिलेंगे, और क्या मिलेगा? चप्पल ही मिलेगा। अच्छा, जिस भावना से आया वही मिलेगा ना, तो किस भावना से आया? जूते चप्पल की भावना से आया, मिलेगा क्या? जूता चप्पल मिलेगा। अंतर इतना होगा कि किसी ने नहीं देखा तो पैरों में मिलेगा, किसी ने देख लिया तो मिलेंगे वही। तो जिस भावना को लेके आप कथा में आएंगे आपको उसी की प्राप्ति होगी, और यह सत्य है, आप जिस भाव से कथा सुनोगे उस भाव की कथा में सिद्धि हो जाती है। इसलिए पवित्र भाव से आप कथा में आइए, आपकी जो कामना होगी वो सिद्ध होगी। ये प्रैक्टिकल है, परीक्षित है, आप करके देखो। आप संकल्प लेकर के आओ कि हम 6 दिन तक पूरी कथा सुनेंगे, और हे भगवान हमारा ये संकल्प पूरा हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप विश्वास पूर्वक कथा सुनिए, संकल्प लेकर के कथा सुनिए, परमात्मा आपके उस संकल्प को शीघ्र ही पूरा करेंगे। आप भावना तो रखिए, पवित्र भाव से संकल्प लेकर के कथा